हेलो दोस्तों, आपका मेरे ईरम खाना खजाना में आपका बहुत ही स्वागत है। चलिए आज हम आपको एक नई रेसिपी बताएंगे जिसका नाम है आलू और सेम की सब्जी। तो चलिए दोस्तों, आपको इसमें क्या क्या यूज़ करना है वो सामान हम बताएंगे, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले हम लेंगे सेम, सेम को हम लेंगे और इसका जो ये है रेशा, इसको हमें निकाल लेना है चाकू की सहायता से। आप इसे ऐसे निकाल लेंगे और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। देखिए, और सबको मैंने पहले ही कट करके रखा हुआ है। ऐसे हमको सारे सेम का जो रेशा है उसे हमें निकाल लेना है। पीछे साइड से भी आपको रेशा निकाल लेना है और इसे छोटे छोटे पीस में कट कर देना है। देखिए, ऐसे ही छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है। अगर आपका बीज बाहर आ जाता है इससे, देखिए ऐसे, तो कोई बात नहीं है। और फिर देखिए, हमने छोटे साइज के टमाटर ले लिए हैं। आपको जितने टमाटर यूज़ करने हैं आप यूज़ कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर आलू ले लिया है। आलू को हमने साफ करके और इसको छोटे पीसेस में कट कर लिया है। प्याज हमने ले लिया है, इसको भी हमने कट कर लिया। और हमने यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर लहसुन ले लिया है, 10, 15 या 20 कलियाँ होंगी। और फिर हमने यहाँ पर मसाले लिए हैं। ये हमारा धनिया पाउडर है और ये हमारा हल्दी पाउडर है और ये हमारा मिर्च पाउडर है, जीरा है ये हमारा, और हमने यहाँ पर काली मिर्च लिया हुआ है कुछ, और यहाँ पर थोड़ा सा हमने सौंफ लिया है, और हमने देखिए 2 छोटी दालचीनी ली हुई है, और स्वाद अनुसार आपको नमक लेना है। हमने यहाँ पर देखिए गरम मसाला भी लिया है छोटा चम्मच, और यहाँ पर हमने सरसों लिया है, जो सरसों का फ्लेवर होता है बहुत ही अच्छा आता है। और देखिए, हमने यहाँ पर हींग लिया है जो कि हमने पानी में इसको भिगो दिया है। सूखी भी हींग आती है और आपकी जो वेट हींग होती है वो भी आती है, और हमने इसे पानी में भिगो के रख दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमारा गरम होगा, जब ये हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम इसमें जीरा डालेंगे सबसे पहले। अब देखिए दोस्तों, हमारा ये गरम हो गया है, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे, जो हमारा काली मिर्च है वो भी हम इसमें डाल देंगे, सौंफ डाल देंगे, और हमारी जो दालचीनी है वो भी हम इसमें डाल देंगे। और जब ये हमारा तो हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज डालने से पहले जो हमारा सरसों था हम उसे डाल देंगे इसमें। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। जो हमारा लहसुन है वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से हम इसे चला लेंगे ताकि ये हमारा सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट हो जाएगा ये हमारा, अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि ये हमारा जल्दी सॉफ्ट हो जाए। बहुत कम टाइम लगेगा प्याज को सॉफ्ट होने में। देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और ये भी सॉफ्ट हो जाएगा हमारा। हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, जितनी आपको तीखी खानी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, हमारा टमाटर साफ होने लगा है। देखिए दोस्तों, अब हम इसे मिक्सर में डाल के और इसे हम पीस लेंगे, और ठंडा हो जाएगा तब हम इसे पीसेंगे।
ज़्यादा गरम नहीं पीसेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम इसे उसी कढ़ाई में या उसी पैन में जिसमें आप बनाएंगे उसी में सारे पेस्ट को निकाल लेंगे और मिक्सर के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के सारा आप इसमें निकाल देंगे। देखिए हमने सारा पानी डाल के सारे पेस्ट को निकाल लिया है अच्छे से। देखिए दोस्तों, हमने 2 मिनट इसको फ्राई कर लिया था और हमने देखिए इसको ग्राइंडर में पीस लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा 2 मिनट पका लेंगे। और देखिए हम इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। हम इसको टुकड़े करके नहीं डालेंगे क्योंकि अगर किसी को तीखा नहीं पसंद है या जिसको पसंद है वो इसको निकाल के ऐसे खा सकता है, तो इसको हम इसमें डाल देंगे। और अब हम डालेंगे इसमें सेम और जो हमारा आलू है और अच्छे से इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। दो मिनट के लिए हम इसमें इसको भूनेंगे और जो हमने हींग भिगो के रखी थी इसमें डाल देंगे हम। जो दोस्तों हींग होता है बहुत अच्छा स्वाद भी देता है और हमारे लिए फायदेमंद भी होता है। हमको इसको ऐसे ही 2-3 मिनट तक भूनना है। देखिए दोस्तों, अब ये हमारा भून गया है और कली पकड़ रही है और हम चेक कर लेते हैं आलू मेरा हुआ है कि नहीं। आलू अभी नहीं हुआ तो थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं। हमारा आलू अच्छे से हो जाए, कच्चा ना रहे। अब हम इसे ढक देंगे, ये हमारा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है और ये देखिए हमारा आलू भी बिल्कुल हो गया। ये देखिए हो गया। अब हम इसमें सबसे लास्ट में गरम मसाला डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स कर देना है हमें कि इसमें मिक्स हो जाए। देखिए दोस्तों, बनके बिल्कुल लाजवाब है। आप इसे पार्टी में भी बना के ट्राई कर सकते हैं, छोटी मोटी पार्टी में, बर्थडे पार्टी में। और इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी चीज़ के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम इसे निकाल लेंगे सर्विंग बाउल में। देखिए हमने निकाल लिया। आप इसे दोस्तों ज़रूर ट्राई करिए और बनाइए और सबको खिलाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।